हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सृष्टि गुप्ता मारवा आज फिर हाजिर हूँ एक रेसिपी के साथ। ये जो रेसिपी है बहुत अच्छी है, हेल्दी है। अपन नॉर्मल तौर पे आटा गेहूँ का, बाजरे का, मक्के का, काफ़ी तरीके के आटे आते हैं, मल्टीग्रेन आटे आते हैं, चने का आटा बहुत यूज़ करते हैं, ज्वारी का आटा भी आपने सुना है। तो मैं आज जो बनाने जा रही हूँ ज्वार की मसाला रोटी, जिसमें मैं पनीर का स्टफ करके बनाने वाली हूँ। यानी ऐसी रोटी है कि इसके साथ सिर्फ एक अचार का पीस आप ले लीजिए, अचार मसाले वाला कोई ले लीजिए, उसके साथ उस रोटी पे मक्खन रख लीजिए, दैट्स इट। और कुछ उसके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। वो रोटी आप नाश्ते में बना के खा सकते हैं, दिन के खाने में भी खा सकते हैं, रात को भी खा सकते हैं, यानी एनी टाइम आप खा सकते हैं। ज्वारी बहुत फ़ायदेमंद होती है, ज्वार खून के लिए ब्लड मतलब करती है, ब्लड बढ़ाती है, काफ़ी तरीके की उसके हमको हेल्पफुल रिजल्ट मिलते हैं ज्वार खाने वालों को। तो ज्वार बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए बनाने के लिए, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को चाहिए ये पनीर, ये हो गया ज्वार का आटा सेकने के लिए, घी, फिलिंग के लिए अंदर चाहिए प्याज, हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, और ये है चाट मसाला। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। सेकने के लिए तवा चाहिए। तो सब में पहले क्या करना है हमें, ये मैं ले लेती हूँ आटा। इस आटे के अंदर हम डालेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार, मेरा रॉक सॉल्ट है, आप अपने हिसाब से स्वाद के अनुसार ही डालिए। ये हो गया काली मिर्च, ये हो गई लाल मिर्च, ये हो गया अपना चाट का मसाला। चाट मसाले में नमक हल्का ही होता है, तो आप चाट मसाले को अपने हिसाब से डालिए। उसी के साथ हमें चाहिए ये हरी मिर्च और ये कटा हुआ प्याज। और हमें क्या करना है फिर, इनको पहले मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा कि मसाले मिक्स हो जाएं इसके अंदर। ये मिक्स कर लिया मैंने। और उसी के साथ अब क्या करना है हमें, ये पनीर लेना है। पनीर के थोड़ी देर बाहर रख लीजिए, बाजार का है, घर का है, घर का जमा हुआ है तो भी ठीक है, घर का बनाया हुआ पनीर, और बाहर का है तो ऐसे बाहर ही निकाल के रखिए कि सॉफ्ट रहे आपका पनीर। क्योंकि आज मैं इसमें पानी जब रिक्वायरमेंट होगी तभी लूँगी, अदरवाइज इस पनीर से ही आटा गूंदूँगी। तो ये पनीर के अंदर मसलना है आटा, जब ज़रूरत पड़े तब हम थोड़ा बूंद पानी का लेंगे, ज़्यादा नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो। अगर इसमें ही हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पनीर में भी पानी होता है अंदर। जैसे ये देखिए पूरी लोई ये ऐसे किसी से बनने लगी है, ये बनने लगी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा एक छिट पानी का, ये चुल्लू भर पानी मतलब, ये डाल के इसको मिक्स कर देंगे, ये बंद जाएगा पूरा। ये देखिए ये अपना आटा गूंद चुका है। देखिए ये आटा भुरभुरे होते हैं, लेकिन जब इसको सेट थोड़ी देर रखेंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज अगर इंस्टेंटली अभी जैसे ही बनानी है, जैसे ही गूंदा वैसे ही बना के खानी है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको बनाने का क्या है कि इसको आप ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इसके अंदर पनीर की फिलिंग डाली है, पनीर भरा है, तो उसी हिसाब से मैं इसको पूरी साइज़ का ये नाप में आएगी, जो छोटी छोटी पूड़ियाँ होती हैं ना उस साइज़ की आएंगी। तो ये इससे ज़्यादा बड़ी करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगी और आपको रखने में दिक्कत होगी, तो इसका साइज़ इतना ही रखिएगा। हथेली मतलब एक हथेली तो बहुत बड़ी हो गई जी, इतना साइज़, थोड़ा सा हथेली को छोटा कर लीजिए। तो ये अपन ने ली लोई, ये देखिए सॉफ्ट आटा गूंदा है बहुत। लोइयाँ बना लेती हूँ मैं, जैसे लोई मैंने बना ली है। तो अब क्या करना है, ये बेलना बड़े प्यार से है, ये देखिए इसको उठाइए और इसके नीचे थोड़ा सा आटा मतलब ये ज्वारी का ही आटा है, इसको भुरका दीजिए और अपने हाथ से जितना प्रेस करके इसको ले सकते हैं लीजिए।
ये हाथ से ही मिल जाएगी, ऐसा है। तो हल्का हल्का आटा लेके इसे प्रेस करिए और फिर ये बेलन है हल्का सा इस पे चला दीजिए। ये देखिए अपन पनीर की बना रहे हैं तो इसीलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, ये जुड़ भी जाती है, लेकिन बनाने में थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन खाने में बेहद स्वाद है। तो ये मेरी मिल चुकी है, ये मेरा तवा है, आयरन का तवा है। अगर आपके पास जो भी तवा है अवेलेबल वो कर लीजिए। थोड़ा सा पहले घी लगा दीजिए और फिर देखिए उठाना है इसको, एक ट्रिक है। तो उसको उठा के अगर तवे पे डालना है, तवा मेरा गर्म है तो ये लीजिए, आप इसको ऐसे करिए, ऐसे लीजिए और ये सीधे से डाल दीजिए। देखिए मैंने घी और लगाया है इसके ऊपर, अब प्यार से इसको टर्न करिए। दबाना नहीं है, दबाएंगे तो ये टूट जाएगी, दबाना नहीं है इसको। पहले जैसे तवे पे सेकने लगेगी तो एक सेटिंग अपने आप में इसमें आ जाएगी, तो टूटेगी नहीं फिर बाद में, लेकिन दबाइएगा नहीं। ये देखिए इस तरीके से इसको सेकिए, घी लगाइए इसे। सूखा आटा इसमें जैसे ज्यादा आ जाता है तो वो कोई बात नहीं, आपके तवे पे चिपकेगा तो आप तवे को कपड़े से पोंछ सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की अगर रोटी खानी है तो ये करना ही पड़ेगा। इस हद देखिए ये रोटी मेरी सिक चुकी है, ये बहुत स्वाद है, बहुत हेल्दी है। और मैंने इसको शायद, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा ट्रिक है, क्योंकि पनीर डाल के अपन गूंद रहे, नहीं तो लोग सिंपल बनाते हैं इसके अंदर, कुछ नहीं डालते सिर्फ नमक के अलावा, लेकिन मैंने इसके अंदर प्रॉपर पनीर का यूज़ किया है और एक चुल्लू भर पानी का मैंने इसमें यूज़ किया है, एक से डेढ़, जितना बस कि ये लगे कि आटा बिल्कुल सिमेट्रिकल आ गया, बस उतना, उससे ज़्यादा अपन को कुछ नहीं करना। मैंने इसमें प्याज भी डाला है, हरी मिर्च भी डाली है, मसाले भी डाले, तो ये बेहतरीन है। और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैंने मक्खन भी लगाया है और ये अपना हो गया अचार। अचार, चटनी, कुछ भी आपको लेना है लीजिए, इसके साथ दही भी ले सकते हैं। तो ये मेरी रोटी, ये मेरी रोटी बन चुकी है, स्वाद भरपूर, पौष्टिक, बहुत अच्छा होता है ज्वार सबके लिए, खाना चाहिए। कभी कभी सादी रोटी से उठ के भी अपन प्लेन वीट रोटी खाते ही हैं, बहुत तरीके की भी चपातीज अपन लोग नए नए तरीके की बनाते हैं, हर चीज़ में अपन नयापन चाहते हैं। तो ये एक आपके लिए नयापन होगा कि ज्वार की आटे के अंदर आपको पनीर मिला के जो आपने बनाया है वो बेहद स्वाद है, बहुत हेल्दी है। और इसी के साथ कहूँगी कि मेरी ये रेसिपी बहुत स्वाद है, आप इसे ट्राई ज़रूर करिए अपने घर पर। और चलना चाहती हूँ मैं इसको खाने के लिए, तो फिर मैं आपसे ही कहूँगी चलते चलते, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी रेसिपी को लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बेल आइकन क्लिक ज़रूर करिए। बेल आइकन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट मेरा जो वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कौन सा है आपके पास आया, तो उसका ज़रूर ध्यान दीजिए। चलती हूँ मैं, थैंक यू।